दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं कोइनल डाइनो थर्मल प्रिंटर का। ये थर्मल प्रिंटर जो है ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और ये छोटी सी थर्मल प्रिंटर से आप अपनी दुकान का किसी भी कस्टमर को आप रसीद जो है वो दे सकते हैं। अगर आप अपनी दुकान में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाते हैं, कस्टमर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ भी हर एक डिटेल्स के लिए आप कस्टमर को रसीद देना चाहते हैं, अगर आप एक AEPS सर्विसेज चलाते हैं और या तो फिर आप अपनी शॉप में मनी ट्रांसफर करवाते हैं और कस्टमर को जो रिसीव है वो देना चाहते हैं और आप चाहते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी थर्मल प्रिंटर लेने के लिए, तो इस प्रिंटर को आप आज ले सकते हैं। ये प्रिंटर है कोइनल डाइनो थर्मल प्रिंटर, जिस प्रिंटर की मदद से आप अपनी दुकान में किसी भी कस्टमर को टोटली रिव्यू भी करेंगे इस छोटी सी प्रोडक्ट का। तो चलिए वीडियो में बनी रहिए और वीडियो को एंड तक। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बॉक्स पैकिंग का। देख सकते हैं ये छोटी सी इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स पैक हमें दिया गया है। इस प्रोडक्ट को मैंने खास करके कंपनी से डायरेक्टली परचेस किए हैं। ये है प्रोडक्ट को, अगर आप ऑनलाइन से भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्टली बात करके वहां से इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। मतलब ऑनलाइन से आपको 1000 से 2000 तक डिस्काउंट मिलने वाला है। तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो कीजिए और इस प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। ये जल्द से जल्द इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, हम जल्द से जल्द इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को हम ओपन कर लिए हैं। जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं, बॉक्स के अंदर हमें कुछ इस तरह का दो पैकेट मिल जाता है। सबसे पहले इस पैकेट को ओपन करते हैं। देखिए ये जो पैकेट है इसमें शायद चार्जर, जी हाँ ये शायद एक चार्जर है, इसको साइड में रखते हैं। और दूसरा कौन सी चीज़ जो है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम चार्जर को निकाल लिए। अब जो है ये प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है अंदर से। तो ये है ये प्रिंटर जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनो करके लिखा हुआ है और ये कोइनल डाइनो थर्मल प्रिंटर जो आपको ऑनलाइन से या तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं, बॉक्स को साइड में रखते हुए और इस प्रोडक्ट को हम करते हैं थोड़ा सा रिव्यू। देखिए बॉक्स में जैसे ये प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, इस प्रोडक्ट को कुछ एक सिंपल सा लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे शायद ये पावर की बटन है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पीछे की तरफ, यहाँ पे जो नीचे की तरफ, यहाँ पे शायद ये चार्जर है और यहाँ पे भी एक चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। तो या तो फिर आप चाहे तो इसको अपनी मोबाइल से प्रिंट भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप से प्रिंट भी दे सकते हैं। और साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन मिल जाता है और पीछे की तरफ कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये राउंड जो है, यहाँ से ये प्रोडक्ट का ये जो लॉक है, अगर आप पेपर रोल इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो इसको कुछ यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ से निकालते हैं, देख सकते हैं अंदर एक रोल दिया हुआ है। हम इसको बाद में बताते हैं इसका फैसिलिटी कैसा है। तो आप अगर रोल यहाँ से डालना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ से आपको रोल डालना होगा। तो हम इसको लॉक कर देते हैं। अभी फिलहाल इसको लॉक करने के बाद हम इस प्रोडक्ट का दूसरा कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक छोटी सी क्लिप दिया गया है ताकि इस प्रोडक्ट को, इस छोटी सी प्रोडक्ट को आप कहीं पर भी कैरी कर सकें। तो जल्द से जल्द इसको करते हैं ऑन। तो सबसे पहले हम पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं। ये प्रोडक्ट जो है अभी ऑन हो चुका है। जैसे ही ऑन हो गया है ये प्रोडक्ट को हम इसका रिव्यू भी करेंगे। तो इसका जो दोनों स्विच है, दोनों में ये स्विच है पावर बटन का और ये स्विच, ये देख सकते हैं, आप अगर एक्सेस पेपर रोल निकालना चाहते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कस्टमर को प्रिंट दे सकते हैं। तो जल्द से जल्द हम करेंगे इसका प्रिंट भी। तो प्रिंट करने के लिए हम इसको साइड में रखते हैं और हमारी एक फोन से इसको कनेक्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं, बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं दिया गया है और क्योंकि शायद आपको कुछ इस तरह से मिला होगा, मुझे पता नहीं कंपनी की तरफ से ऐसा क्यों भेजा गया, तो मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए।
तो इसीलिए मैंने इसका यूट्यूब से कुछ सॉल्यूशन निकाला। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करने के लिए इसका जो एप्स है, आप इस प्रोडक्ट को गौर से देखिए, इसका पीछे की तरफ या फिर साइड में या तो फिर इस बॉक्स पैक में कोई भी ऐसा यूजर मैनुअल नहीं है जिससे हमें पता चल सके इस प्रोडक्ट को कनेक्ट कैसे करना है। तो इसीलिए बहुत ही दिक्कत होता है इस प्रोडक्ट को जब पहली बार परचेज करने के बाद कनेक्ट करने के लिए या तो फिर अपनी फोन से जुड़ने के लिए। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। जैसे आप प्ले स्टोर में चले जाते हैं, प्ले स्टोर में आपको जाके सर्च करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में आप जैसे ही प्ले स्टोर में पहुंचते हैं, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए CIE मोबाइल प्रिंटर। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आ चुका है CIE मोबाइल प्रिंटर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का रिव्यू आ जाएगा। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा, सबसे पहला वाला जो एप्स रहेगा, इसका बहुत सारे एप्स है। एक है CIE प्रिंटर, दूसरा है CIE VT प्रिंटर डेमो, और यहाँ पे तीसरा भी ऐसा कुछ है CIE USB प्रिंट डेमो। तो आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट का जो एप्स है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं इस एप्स को आपको डाउनलोड करना होगा अपनी प्ले स्टोर से, जिस फोन से आप इस थर्मल प्रिंटर को ऑपरेट करना चाहेंगे। तो इसीलिए आपको सर्च करना है CIE मोबाइल प्रिंटर। सर्च करते ही इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे ही इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप हमें मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसीलिए जब भी आप इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करना चाहोगे आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोन की ब्लूटूथ पे आना है। ब्लूटूथ पे आने के बाद यहाँ से अपनी थर्मल प्रिंटर को कनेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ब्लूटूथ को रिफ्रेस करेंगे या तो फिर इसको सर्च करेंगे, आपको कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा इस मॉडल का। जैसे कि आप देख सकते हैं CIE डायनो 2794। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपनी जो डिवाइस है, आपका जो डिवाइस है वो आपका यहाँ पे पेयर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको पेयर करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं। तो चलिए प्रिंट करते हैं जल्द से जल्द। तो डिवाइस यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट प्रिंट वाला ऑप्शन है, टेस्ट प्रिंट। तो हम टेस्ट प्रिंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही टेस्ट प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हेलो प्रिंटर और यहाँ पे कोइनल थर्मल प्रिंटर का एक छोटी सी इमेज जो है ये यहाँ पे होके आता है। फिर से यहाँ पे आप टेस्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत ही क्विक ये प्रिंट जो है ये निकल जाता है और प्रिंट जो है बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आता है। तो कोइनल डायनो थर्मल प्रिंटर का ओवरऑल रिव्यू जो है वो हमने कर दिए हैं। फिर भी आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसका जो लेटर जो है या तो फिर इसका जो इमेज वगैरह है वो किस तरह से यहाँ पे आता है, तो ये जानने के लिए भी मैं एक स्क्रीन शॉट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलिए हम एक स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। एक्चुअल में मैं यूज कर रहा हूँ पेन ईयर बाई का APS सर्विस। तो पेन ईयर बाई में मैं एक जो स्लिप होगा मैं उसी स्लिप को यहाँ पे एक प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे मैं प्रिंट के लिए, मैं किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इजीली बस आपको उसी इमेज के ऊपर जाना होगा, उसी इमेज को यहाँ पे शेयर करना होगा। जैसे ही शेयर करने के लिए जाएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आपको CIE जैसे कि आप देख सकते हैं आप जो एप्स जो डाउनलोड किए थे उसी एप्स का यहाँ पे इमेज मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट इमेज पर क्लिक करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट इमेज पर क्लिक कर दिया है और ये ट्रांजेक्शन जो होता, मैं इस ट्रांजेक्शन को मैंने विड्रॉल किया था अपनी शॉप से, तो कुछ इस तरह से ये स्लिप जो है ये निकल जाता है। आपको इसका रिव्यू भी दिखा देते हैं, आपको इसका डिटेल्स भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ये प्रिंट आ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे कलर जो है इसका डार्कनेस बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रिंट का डार्कनेस जो है इसको कम भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का ओवरऑल रिव्यू
व्यू जो है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप एक शॉप चलाते हैं या तो फिर मान लीजिए आप किसी भी APS कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या तो फिर किसी भी APS कंपनी को प्रमोट करते हैं, या तो फिर आप एक सेल्स मार्केट मैनेजर हैं जहां पे आप दूसरे किसी भी मान लीजिए फोन पे, गूगल पे, या तो फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, या तो फिर पेटीएम पेमेंट बैंक, किसी भी चीज का आप प्रोडक्ट सेल करते हो, किसी भी चीज का आप मार्केटिंग करते हो, तो वहां पे कस्टमर मतलब रिटेलर अपनी रिटेलर जो है वो अगर उनका प्रोडक्ट को सेल करते हैं या तो फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका जो रसीद होता है, उसका जो परमिट स्लिप जो है उसको अगर कस्टमर को देना चाहता है तो कुछ इस तरह का किसी भी थर्मल प्रिंटर, मैं ये नहीं बोलूंगा बस यही थर्मल प्रिंटर को खरीदना है, हाँ कुछ इस थर्मल प्रिंटर का कुछ खास बात भी है जो है कि इस थर्मल प्रिंटर से पेज जो है बहुत ही जल्द प्रिंट होके आ जाता है। और इसका अंदर आपको अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसका अंदर कुछ इस तरह से आपको पेपर रोल मिल जाएगा और यहाँ पे जगह भी बहुत दिया गया है कि आप यहाँ पे एक साथ बहुत बड़ा पेपर रोल यहाँ पे डाल सके। तो कुछ इस तरह का पेपर रोल आपको मिल जाएगा। आप अगर पेपर रोल खरीदना चाहते हैं अपनी शॉप के लिए या तो फिर इस प्रोडक्ट का रिव्यू में अगर आप देख कर आप किसी भी थर्मल प्रिंटर को बाई करते हैं ऑनलाइन से, या तो फिर आप इसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के बाद अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसके बाद आपको अगर पेपर रोल की जरूरत पड़े तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप पेपर रोल को खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी मेंटेनेंस का जरूरत पड़े या तो फिर कुछ भी डिटेल्स अगर जरूरत पड़े तो आप कंपनी का डायरेक्ट जो नंबर रहेगा, टोल फ्री नंबर, जो सर्विस नंबर रहेगा, उस नंबर पे कॉल करके इस प्रोडक्ट का फुल्ली सर्विस करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय दोस्तों।